हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है विवेक मिश्रा ट्रेडिंग में। मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ एक इंडियन गवर्नमेंटेड कंपनी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैक है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, तो वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आइए इसको आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको क्या करना है वो अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको इसको बाई करना है किस वैल्यू पे और कितना टारगेट रखना है। तो देखिए, ये कंपनी जो है वो अभी काफ़ी अच्छा आपको वो प्रोवाइड करने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग में मंडे के लिए, और अगर आप इसको बाई करते हैं कल मार्केट खुलते ही, अगर बाय चांस आपको अच्छे नंबर पे वैल्यू मिल गई है, 95 तक आपको बाई करने का मौका मिल गया, तो आप इसको बाई कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब ये अब ही खुलेगा। अगर इस रेट पे भी खुलता है तो मैं आपको अभी कहूँगा कि आप इसको बाई करके चलिए। आप अगर इंट्राडे पे कर सकते हैं तो इंट्राडे के लिए, वरना आप इसको 5-6 दिन के लिए रखिए। ये आपको, अगर जो लोग होल्ड करने वाले हैं 1 वीक के लिए, वो आपको 100 से अबव का टारगेट दे देगा, बट अगर जो इंट्राडे करने के लिए रख रहे हैं वो 5 से 7 रुपये तक का अपना मैनेज कर सकते हैं, ये इतना आपको बना के देने वाला है। तो देखिए, ऐसा क्यों है, क्यों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है इतना अच्छा करने वाली है। देखिए, आपको पता है एक नया IPO आने वाला है 29 को, और उसी से रिलेटेड है कि अगर आप इसमें बन के चलते हैं, अगर इस कंपनी का बाय करके चलते हैं, तो उस दिन सारे ही, मतलब जितनी भी है इंडियन गवर्नमेंटेड कंपनियां हैं जो, वो सभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाने वाली हैं। तो अगर आप इनको अभी बाय कर लेते हैं तो आपको ये 1 वीक तक में ही अच्छा खासा आपको 10 से 15 रुपए तक की मूवमेंट देगा, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं है, तो ये इजिली अचीव कर लेगी ये कंपनी, इसलिए मैं सोचा आप लोगों को भी बता दिया जाए, तो आप और आप अच्छे मौके पे ही अपना प्राइस जो मैंने सजेस्ट किया है, ये देखिए 93.30 पे चल रहा है, इससे लेके 95 के अंदर अंदर बाई करिए, और 98 से लेके 100 तक का आप टारगेट रख सकते हैं। इंट्राडे वालों के लिए है, अगर 93 पे बाई करते हैं तो वो 96-97 तक रख सकते हैं टारगेट अपना, और जो 1 वीक के लिए होल्ड करना चाहते हैं वो 100 से अब का टारगेट रख सकते हैं, 100 से लेके 104 तक, ठीक है। तो इसका देखिए चार्ट काफ़ी वीक डाउन हुआ काफ़ी ज़्यादा, देखिए इसने अपना 103 से लेके 90 तक बनाया है, अब उसके बाद इसने अब का शुरू कर दिया है। तो अगर आप इसमें बाई करके चलते हैं तो ये आपको 1 वीक के अंदर 100 से अब की मूवमेंट देगा। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, मेरा था कि मैं आपको ये समझा सकूं इस चार्ट के बारे में कि आप इस BEL जो NSE में कोड है जिसका, आप इस कंपनी को बाई करके चलिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। थैंक्स।